हेलो दोस्तों, अगर आपके भी मोबाइल की स्क्रीन पे एड शो हो जाते हैं जब भी दोस्तों आप यूट्यूब को यूज करते हो या फिर कोई गेम प्ले करते हो, तो वहां पे दोस्तों आपकी स्क्रीन पे बार बार एड आ जाता है, तो बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग बताने वाला हूँ, अगर दोस्तों आप इन सेटिंग को कर लेते हो तो आपके फोन में किसी भी प्रकार का कोई एड स्क्रीन पे शो नहीं होगा और दोस्तों आपके पास किसी भी कंपनी का फोन हो फर्क नहीं पड़ता है। ये जो सेटिंग बेसिक सेटिंग है सभी कंपनी के फोन में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो कौन सी वो सेटिंग है और किस तरीके से आप इन सेटिंग को अपने फोन में अप्लाई करोगे, इसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना होगा। कुछ इस तरीके से मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लोगे, ठीक है। मोबाइल की सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे दोस्तों आपके फोन में एक सेटिंग मिल जाएगी एप्स की, ठीक है। मेरे फोन में एप्स के नाम से है, आपके फोन में दोस्तों हो सकता है ऐप लिस्ट हो, तो कुछ इस तरीके से ढूंढ लोगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको मैनेज ऐप पे क्लिक करना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैनेज ऐप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपके फोन में जो भी एप्लीकेशन होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको वो एप्लीकेशन देखना है जिसका दोस्तों कोई भी आइकन ना हो और दोस्तों उसका नाम भी ना हो, ठीक है। तो मैंने अपने फोन में वो एप्लीकेशन को डिलीट कर दिया है। तो अगर दोस्तों आपके फोन में वो कोई भी ऐसा एप्लीकेशन दिखता है जिसका नाम नहीं हो और कोई भी आइकन नहीं है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको उस एप्लीकेशन को डिलीट कर देना है, ठीक है। तो मेरे फोन में यहाँ पे नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको इस तरीके से बैक आ जाना है और बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक सेटिंग मिल जाएगी गूगल, तो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके फोन में ये सेटिंग ओपन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये सेटिंग दिखेगी एड्स, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको ये जो सेटिंग है इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है, कुछ इस तरीके से रीसेट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी, इस पे क्लिक करेंगे, डिलीट एडवर्टाइज आईडी पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे जो आपकी आईडी है डिलीट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, अब दोस्तों आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है कुछ इस तरीके से और बैक आने के बाद दोस्तों आप अपने मोबाइल में यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर लोगे कुछ इस तरीके से। गूगल क्रोम को ओपन करोगे और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक सेटिंग दिख जाएगी सेटिंग्स, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको एक सेटिंग दिखेगी कुछ इस तरीके से, साइट सेटिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले ऊपर में एक सेटिंग दिखेगी कुकीज की, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो चौथे नंबर वाला ऑप्शन है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ब्लॉक ऑल कुकीज, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने पहले से सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों बैक करते हैं और बैक करने के बाद दोस्तों आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे दोस्तों और भी दो तीन सेटिंग है जो आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एड्स वाली सेटिंग पे क्लिक करना है कुछ इस तरीके से। इस पे क्लिक करोगे तो आपके फोन में ये सेटिंग ऑन हो सकती है, तो इसको आपको सिंपली ऑफ कर देना है। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने फोन को सिंपली बैक करना है और जो भी रिसेंट टास्क है सारे रिसेंट टास्क को कुछ इस तरीके से क्लियर कर देना है। क्लियर करने के बाद दोस्तों आप अपने मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट करोगे। रिस्टार्ट करने के बाद आपका जो फोन ऑन होगा उसके बाद दोस्तों आपके फोन में कोई भी ऐड नहीं आएगा। अगर दोस्तों आपको इन सेटिंग को करने के बाद भी आपके फोन में ऐड आ रहा है तो आप कमेंट कर देना अपने मोबाइल का मॉडल नंबर लिख के, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर दोस्तों आप ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना।